लोगों के जीवन में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। फिर चाहे वो किसी फिल्म या एल्बम की गीत हो या फिर कोई गजल या कव्वाली हो। अगर आज के दौर की बात की जाए तो हर दिन एक नया गाना रिलीज होता है और लोगों की प्लेलिस्ट भी रोज अपडेट हो जाती है। वहीं आज के दौर में आप स्मार्टफोन, लैपटॉप या आईपैड पर तरह तरह के ऐप्स पर गाने सुन सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोगों को गाने सुनने के लिए ऑडियो कैसेट या फिर रेडियो का सहारा लेना पड़ता था। आज हम उसी दौर के एक गाने के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसता है। 90 के दशक में एक ऐसा गाना रिलीज हुआ था जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। इस गाने को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सुना और पसंद किया गया था। इसको अल्ताफ राजा ने अपनी आवाज दी थी और इसको लिखने का श्रेय इद्रीस निजामी और जहीर आलम को जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, हम इसी गाने की बात कर रहे हैं, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। इस गाने को आपने भी कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इस गाने से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। 1994 में रिलीज हुई इस गीत को लेकर लोगों में दीवानगी इस कदर थी कि मार्केट में इसकी कैसेट आते ही बिक जाया करती थी। आलम यह था कि कैसेट खत्म हो जाती थी तो लोग कैसेट को खरीदने के लिए दूसरे शहर में पहुंच जाया करते थे। लोग इस गाने के पीछे इतने दीवाने हो चुके थे कि टी स्टॉल, नुक्कड़, दुकान, पार्टी, घर, बस आदि जगहों पर ये गाना खूब चला करता था। इस गाने की रातों रात लाखों ऑडियो कैसेट बिकने के साथ इसे साल का सबसे पॉपुलर गाना भी माना गया था। सबसे ज्यादा ऑडियो कैसेट बिकने की वजह से यही गाना हिंदी एल्बम का ऐसा गाना बन गया जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हाल ही में MX प्लेयर की वेब सीरीज इंदौरी इश्क में भी ये सुनने को मिला था।